कैसी यहाँ पे बर्गर बेच रहे हो कि भाई दोपहर को बर्गर खा लो रात तक भूख नहीं लगती, ऐसी क्या चीज है सर? बिल्कुल है सर, मेरा जंबो बर्गर स्पेशल है सर। जंबो बर्गर? हाँ जी हाँ। क्या बात सर, आप खुद आके देखो सर, मतलब मेरा बेटा है वहाँ पे, वो बना रहा है बर्गर। हरप्रीत भाजी लगा के रहे हो तुम सर? मैं जंबो बर्गर लगा रहा हूँ। जंबो बर्गर मेरे सामने, जंबो बर्गर लगा रहे हैं हरप्रीत भाई हमारे, और उधर जसमीत भाजी बना रहे हैं जी नूडल पैन के अंदर। दोनों भाई ऐसे ही एक साथ काम करते हैं, तालमेल बना के। अच्छा तीन लेयर कट दो भाजी दी ना? हाँ जी। ये बन के ना भाजी? बन भाजी सिंपल नॉर्मल यूज करेगा। अच्छा तो देखते ही देखते तवा भर गया यार एकदम। भाजी कितने बर्गर लगा रहे हो ये? बारह बर्गर। क्या बात है यार, ये चेक करो यहाँ पे ना, मेरे को लगता है एक भी सेकेंड मिस होने वाला नहीं है तवे के ऊपर। सीधी भाजी टिक्की आ गई ऊपर भाजी, इट वीडियो करके तो नहीं करती रहती अपनी? भाजी बिल्कुल सही गल है। तो ये देखो यार पूरी बर्गर इसकी ना मक्खन की ब्रिक आ गई है इसके ऊपर ही, और जो बर्गर है ना मक्खन के अंदर एकदम मक्खनी हो गए हैं। पूरा तवा भर दिया हरप्रीत भाजी ने। हरप्रीत भाजी कितने बर्गर लग रहे हैं? भाजी 12 बर्गर लग रहे हैं। सारे जंबो है सर? नहीं भाजी, सिंपल ने, बाकी से जंबो है। नहीं यार ये जंबो और सिंपल बर्गर इकट्ठे लग रहे हैं सर। सिंपल बर्गर कितने का होता है अपना? सर सिंपल 25 का। 25 बहुत ही बढ़िया सर। पहली चीज क्या आ रही है सर? रेड सॉस है सर, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप। वाह ये आज तो मेरे को लगता है मेरे को अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए था यहाँ पे। पूरा तवा फैला सर, ग्रीन सॉस है सर। ग्रीन सॉस है सर। सर इसमें क्या क्या होता है जी? सर इसमें पुदीना हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये हरी चटनी आ चुकी है जी ऊपर, और ये आ रहे हैं जी पनीर। वाह, और ये जंबो बर्गर के ऊपर सर क्रीम सैलेड आ गया। अच्छा दो लेयर में आएगा, एक लेयर आप बहुत तैयार कर रहे हो, एक लेयर ये तैयार हो गई है। वाह, अब ये आ गया जी क्रीम सलाद ऊपर। बड़ा फ्रेश क्रीम सलाद है, बीच में कॉर्न्स, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च नजर आ गया। बहुत ही बढ़िया। मंचूरियन भी आएगा सर बर्गर? जंबो बर्गर में मंचूरियन आएगा सर। अब ये मंचूरियन भी आ गया तवा के ऊपर, अब ये आ रहा है जी चाट मसाला। चाट मसाला मंचूरियन भी बर्गर के अंदर भाजी? हाँ जी भाजी। क्या बात है यार, मंचूरियन आ रहे हैं जी बर्गर के ऊपर। अब ये चेक करूंगा हरप्रीत भाजी, मेरे को लग रहा है एक बंदा ये बर्गर खा ले एक्चुअल में दोपहर को खाएगा, रात तक भूख नहीं लगेगी। नहीं सर। प्याज, वाह जी क्रीम। अब ये चेक करो जी, अब ये बेस तैयार हुआ बर्गर का जिसमें है मंचूरियन, क्रीम सलाद, ढेर सारी सॉसेस। अब ये क्या रहा हरप्रीत भाजी? रेड सॉस दोबारा। अब ये दोबारा आ गई जी टमाटो सॉस। यार लुक कितनी कमाल लग रही है ना, मेरे को तो यही कंप्लीट बर्गर लग रहा है, पर अभी ये कंप्लीट नहीं है, दोबारा खीरा आएगा। हाँ जी सर। अब ये प्याज आ गया जी ऊपर खीरे के बाद, पनीर और आएगा, पनीर डबल है भाजी इसमें। वाह, अब ये चेक करो जी पनीर आ गया दूसरी बार, एक बार बेस लेयर में, एक ऊपर पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल बर्गर है। ये आ गई जी टिक्की तवा के ऊपर। यहाँ पे टिक्की की एक स्पेशलिटी है, टिक्की के ऊपर लगे होते हैं ब्रेड क्रम्स, तो नॉर्मल 25 वाले में भी ये टिक्की मिलेगी, 45 वाले में भी ये मिलेगी। जसमीत भाजी स्पीड बड़ी आपकी नूडल बनाने की, देखते देखते नूडल पूरी कढ़ाई हमने भर दिए ना जी। अब ये नूडल्स आ गए जी तवे के ऊपर, भाजी डाल रहे हैं नूडल्स। अब ये शुरू हो गए बर्गर में नूडल्स जाने, वहाँ नूडल्स और आते जा रहे हैं तवे के ऊपर। अब ये यार तवा चेक करो आप एक बार कैसे भर गया पूरा। अब ये नूडल्स भाजी लगातार डालते जा रहे हैं यहाँ पे भाजी, बर्गर का इन्ना लोडेड हो गया कि तवे तो ही गिरन तो जा रहे हैं। अब आप एक बार ये चीज़ चेक करो इसमें आया क्या क्या, नीचे मंचूरियन, क्रीम सलाद, बेस पनीर, पूरा स्लाइस बड़ा, टिक्की, ऊपर नूडल्स, पेरी पेरी और चाट मसाला आ गया। अब तवा देखो पूरा भरा हुआ है जी नूडल्स और बर्गर्स के साथ। अब ये दोबारा शुरू होगी जी केचप डलनी, टोमेटो केचप। दुकान अपनी 12 साल पुरानी है और आपको काम करते 4 साल हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। 17 साल आपकी एज है, मतलब 13 साल की उम्र से बर्गर बना रहे हैं। क्या कमाल बात है भाजी, ये कौन सी सॉस है? ये सर मस्टर्ड सॉस है। ये मस्टर्ड सॉस के बाद आ गई जब क्रीम है भाजी, ये मेयोनीज है, मस्टर्ड सॉस आई, अब आ गई ये मेयोनीज। लोड चेक करो यार बर्गर के ऊपर कितना लोड आ चुका है। अब ये एक बर्गर ना यार मेरे को 2-3 बर्गर के मुकाबले का बर्गर लग रहा है। अब ये तवे के ऊपर आ गया जी मक्खन, और बर्गर का टॉप हो रहा है जी गरम। वाह मक्खन भाजी खुले दिल ना खिला रहे हो तुसी। हाँ जी हाँ जी भाजी। अभी बर्गर का यार रंगत चेक करो, लुक है ना जो एकदम बढ़िया शाइन मार रहा है बर्गर मक्खन के साथ। अब आप नॉर्मल बर्गर और जंबो बर्गर का साइज चेक करो। ये है जी नॉर्मल बर्गर,
25 वाला भी है 45 वाला, और खुद देख लो डबल साइज में है यार। मिनटों में हरप्रीत पाजी ने बर्गर्स कर दिए जी पूरे पैक शुरू। यहाँ पे देखो तवा हो गया खाली, अब इतने बर्गर लगे और यहाँ पे कस्टमर्स देखो कैसे वेट कर रहे हैं। सिंह साहब इतना लोग वेट कर रहे हैं आपकी दुकान पे बर्गर के लिए, तो आप सर स्टाफ और क्यों नहीं साथ में रखते? सर मेरे को स्टाफ की जरूरत ही नहीं है सर, मेरे दो बेटे हैं सर, मेरे दोनों बाजू हैं। क्या बात है जी, तो मतलब आप तीनों ही मिलकर दुकान चलाते हो, कोई और बंदा? नहीं नहीं सर, मेरी वाइफ है साथ में सर। अच्छा, मेरी वाइफ का, मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट है सर मेरे साथ। अगर पूरी फैमिली मिलकर कार्ट चला रही है, कोई स्टाफ नहीं रखा हुआ। पर बर्गर तो अलावा मैं सुनिया थोड़ा चीज कौन डाउन बहुत फेमस है, चीज कौन डाउन सर है वैसे मेरे को ये ओके नजर सर। सर 25 रुपीस ओनली, 25 रुपए में चीज कौन डाउन? बिल्कुल सर। तो उसमें चीज कौन सा डालते हो? सर मोजरेला चीज। सिंह साहब तैयार है जी चीज कौन डाउन? चीज कौन डाउन तैयार है सर। अब ये चीज कौन डाउन आ गया जी सामने, चॉपिंग हो रही है सर। ये सर मसाला आएगा पहला, ओके। फिर आएगी सर रेड टमाटो केचप, टोमेटो केचप आ गई सर। फिर आएगी सर ग्रीन सॉस, सर ग्रीन सॉस आ गई। फिर आएगी सर मस्टर्ड, मस्टर्ड हाँ जी हाँ जी। फिर आओगी सर मायोनीस। क्या बात है, मतलब चार तरह की सॉस आएगी साथ इसके? चार सॉस एक स्कूप पर ओनली रोल पीस 25। बड़ा वेट करना पड़ा, पीछे अब रश देख ही रहे हो। ये बर्गर आ गया मेरे पास। अब बर्गर की सबसे पहले आप लेयरिंग चेक करो, यह है बेस क्रीम सलाद मंचूरियन, फिर एक और बेस, यह है ककम्बर्स पनीर, ढेर सारा प्याज टिक्की, पूरी हट्टी कट्टी मोटी टिक्की, साथ में आए नूडल्स। अब आधा आधा ऐसे कपल स्टाइल में मेरे को बर्गर खाने का यही मोटिव था कि आपको पूरी दिखा रहा हूँ कि बर्गर के अंदर आखिर है क्या क्या। अब रही बात स्वाद की, अब वो आपको बताते हैं स्वाद है कैसा बर्गर का। अब आओ फटाफट इसका बताते हैं वो स्वाद कैसा है। मेरे को लगा था भाई जितना बड़ा होता ना बर्गर उतना स्वाद में कम हो जाता है, पर इसमें वैसा नहीं है। अभी एक बाइट मारी है, देखो मंचूरियन भी आया स्वाद में, टिक्की भी खाई मैंने, सलाद भी आया, मतलब सारा फ्लेवर्स ना एक बाइट में आए मेरे को, तो वो चीज़ है ये बर्गर 25 वाला भी इनके पास। ये वो चीज़ है शाम की, वो भूख है, आप एक बर्गर खा लो, रात को डिनर घर पे फ़ोन कर दो भाई आज डिनर मत बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सिंह साहब का एक बर्गर मैंने खा लिया, वो वाला ही साहब पूरा पनीर लोडेड है। एक बर्गर खाओ प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना भाई पेट भर के आराम से घर जाके सो जाओ। पर अगर आपको पेट नहीं भरना, स्वाद लेना सिर्फ, तो भाई सिर्फ 25 वाला ही खाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मक्खन बहुत है, सामान बहुत है, एक बर्गर ना बहुत ज़्यादा ही पेट भरने वाला। अब आगे फटाफट आपको बता दो चीज़ कॉर्न रोल जो सिर्फ 25 रुपए में मिलने में। तो ये आगे जी चीज़ कॉर्न रोल हाफ प्लेट, चार पांच तरह की चटनियाँ साथ में, थोड़ी केचप लगी है, लुक नहीं आपको समझ आ रही होगी, पर 25 रुपए के अंदर चीज़ कॉर्न रोल मिल रहे हैं, 25 रुपए के अंदर इनके स्प्रिंग रोल्स हैं। बढ़िया, अगर इन्जॉय करना है एक लो 25 वाला बर्गर साथ में भाई ये लो, पेट तो उतना जंबो जैसे ही भरेगा, पर दोनों चीज़ों का नज़ारा आएगा, अलग लेवल वाला मज़ा आएगा। यहाँ पे आओ आराम से खड़ो, लोग देख लो ना खड़े, अभी भी काम चल रहा है पीछे, दोनों भाई क्या बर्गर बनाते हैं स्पीड में, अंकल जी भी साथ में हेल्प करते हैं, पूरी फैमिली मिलके काउंटर चला रही है और मस्त मस्त खाना बना रही है। तो फटाफट आओ टेस्ट करो, दोनों स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं और कह रहे हैं पाजी हमने करनी है होटल मैनेजमेंट, इसको लेके जाना बहुत आगे, तो फटाफट आओ सपोर्ट करो, खाओ।